पच्चीसवें अध्याय का तीन नंबर का श्लोक है दस पच्चीस तीन अहो महात्म्यम गोपाल का नौक सा मर्त्यश्रित जे चक्रुर्देवेलनम अहो जरा देखो तो श्री ऐश्वर्य के कारण मद नशे का महात्म्यम विस्तार गोपानाम ग्वालों का कानन वन में ओकसाम वास करने वाले कृष्णम भगवान श्रीकृष्ण को मर्त्यम सामान्य मनुष्य की उपाश्रित्य शरण ग्रहण करके ये जिन्होंने चक्रु किया है देव देवताओं के प्रति हेलनम अपराध अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद इंद्र ने कहा जरा देखो तो सही कि जंगल में निवास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस प्रकार इतने उन्मत्त हो गए हैं उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का अपमान किया है तात्पर्य वास्तव में इंद्र यह कह रहा था कि ग्वालों ने उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उसका अपमान किया है जिसे वह मर्त्य समझ रहा था निश्चय ही इंद्र की यह बहुत बड़ी भूल थी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हमको तीन दिन का समय दिए हैं श्रीमद्भागवतम के गिरिराज धरण के लीला प्रस्तुत करने के लिए इन यह और कोई आने वाला है एक क्लासरूम है क्लासरूम का वातावरण तैयार करना होगा यहाँ स्टूडेंटों को ही भर्ती मिलता है और जो आ गए हैं तो कम से कम स्टूडेंट का भाव स्वीकार करना होगा थोड़े देर तक और इस प्रसंग में बहुत बहुत बातें हैं हम लोग समय के अनुसार कुछ कुछ बातों पर विचार करेंगे बाकी तो ये विद्यालय है पढ़ाई होती रहती है और हम लोग कल भगवान के प्रवचन को सुन रहे थे और उसका क्या प्रभाव हुआ या अभी हम लोग सुने अब 25वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र तदात्मन पूजा विज्ञा विहता नृप गोप्येभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्युकोप इंद्र को जब यह पता चला कि उसके पूजा को रोक दिया गया और रोक ही नहीं दिया गया है उसको रिप्लेस कर दिया गया उसके स्थान पर दूसरे की पूजा हो रही है और इससे बात को सुन करके जान करके गोप्यभ्य कृष्णनाथे नंदा वे गोपों पर बहुत क्रुद्ध हुए गोपों का परिचय दे रहे हैं कृष्ण नाथ जिसके रक्षक कृष्ण है सुखदेव गोस्वामी पहले ही निर्देश कर रहे हैं कि इंद्र का क्रोध अकिंचित कर होगा उसका कुछ प्रभाव नहीं आएगा ऐसे व्यक्ति पर कुपित हो रहे हैं कि जिसके रक्षक कृष्ण हैं वो कोई प्रभाव आने का प्रश्न ही नहीं है वे सब गोपों पर कि किन किन गोपों पर नंद दिव्य नंद उसमें प्रधान थे और इंद्र के पूजा के विषय में पिछले अध्याय में दिया गया है कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि पिताजी क्या तैयारी चल रही है नंद महाराज स्पष्ट शब्दों में बतलाए कि हम लोग इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे कृष्ण फिर प्रश्न किए कि यह वैदिक यज्ञ है कि लौकिक यज्ञ है नंद बाबा स्पष्ट शब्दों में कहे कि बेटा हम लोग तो कोई वेद शास्त्र में नहीं पढ़े हैं लेकिन ये परंपरा से प्राप्त किए हैं हमारे पिताजी पूजा करते थे हम लोग भी पूजा कर रहे हैं और सिद्धांत स्पष्ट समझ रहे हैं हम लोग गोपाल हैं गायों का पालन करते हैं गाय ही हमारे जीविका के साधन हैं और गायों के रक्षा के लिए वर्षा तो का बहुत महत्व सीधा संबंध है वर्षा न हो तो घास पात मिलेगा ही नहीं हम लोग क्या गाय की रक्षा करेंगे और वर्षा के देवता इंद्र हैं ये जो बादल हैं उन्हीं के प्रतिनिधि हैं हम लोग पूजा करते हैं और यदि कोई लोभ बस या द्वेष बस अब इस पूजा को नहीं करेगा तो उसको बहुत भारी क्षति होगी नंद बाबा बिल्कुल गीता के सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हैं ये देवताओं की व्यवस्था है ये भगवान की व्यवस्था है और उनसे हम जब सहयोग रखते हैं उनको संतुष्ट करते हैं तो हमारी समृद्धि बढ़ती है आप लोग गीता में इसको पढ़ते हैं देवता को संतुष्ट करेंगे तो हमारी सुविधा को प्रदान करेंगे तो समाज में समृद्धि रहेगी लेकिन अब भगवान दूसरा विचार प्रस्तुत करने लगे एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान बिल्कुल गलत विचार प्रस्तुत कर रहे इस अर्थ में कि वे ईश्वर की सत्ता को नकार रहे भगवान प्रवचन कर रहे हैं अरे तो देवता को कौन देखा है ये तो कर्म से सब होता है कर्म से जन्म होता है कर्म से मृत्यु होती है कर्म से ही सुख दुख आता है तो सब चीज प्रदान करने वाला कर्म है हम लोगों को तो कर्म की पूजा करनी चाहिए यही आराध्य है कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है तो समय नहीं है तो भगवान के इस बात पर थोड़ा विचार किया जाए तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान गलत बात बोल रहे हैं कल हम लोग देखे थे कि भगवान के इस प्रवचन का एक सीमित उद्देश्य है इंद्राया मन्युम जनयन केवल इंद्र को कुपित करने के लिए ये सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है लेकिन जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनके लिए बड़ा आकर्षक है और इस समय वो जगह जगह लिखते हैं वर्क इज और सबको मूर्ख ही कह रहे हैं ना? भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि कर्म से सब होता है लेकिन बहुत है। उदाहरण नहीं देंगे एक दो उदाहरण से बात को समझ जाए कि कर्म में शक्ति नहीं है जैसे कोई स्त्री पुरुष है उनका विवाह होता है दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है लेकिन ऐसा भी देखा जाता है ना स्त्री पुरुष का विवाह हुआ दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है लोग कभी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं वो तो कभी कभी तो ऐसा रिपोर्ट आता है किसी में कुछ कमी है कभी कभी ऐसा भी रिपोर्ट आता है कि स्त्री पुरुष दोनों सक्षम है दोनों बायोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल फिट है फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा कई एक घटना आप लोग देख सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में तो देखते ही हैं कि चित्र एक नहीं एक करोड़ विवाह किया संतानी एकदम सब चीज जांच करके कुंडली जांच करके मेडिकल रिपोर्ट लेकर के विवाह करते थे लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं यदि कर्म से ही संतान फल मिल जाता तो सबको पुत्र मिल जाना चाहिए ना? लेकिन संसार में सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है वो तो माता पिता के मुख से भी निकलता है कि भगवान हमको चार संतान दिए वास्तव में कर्म से संतान नहीं मिलते हैं कर्म के माध्यम से स्त्री पुरुष के माध्यम से भगवान देते हैं थोड़ा सा ओ कान को अच्छा लगने वाले दो चार वाक्य बोलने से ईश्वर की सत्ता नहीं उड़ाई जा सकती भी कर्म से सब होता है लेकिन कर्म को नियंत्रित करने वाला कौन है भगवान को ये ऑब्जेक्शन लग रहा था कि पूछा जा सकता है वो तो सिद्धांत है कि स्वभाव से सब प्रेरित हो रहा है स्वभाव सब करता है वर्षा तो रजोगुण का कार्य है सब प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं तो स्वभाव से सब कार्य होता है कि पत्थर का क्या स्वभाव है वो पानी में डूबेगा कि तैरेगा पत्थर का क्या स्वभाव है डूबेगा लेकिन वो तैरता है कि नहीं कभी कभी ईश्वर के कंट्रोल से आप लोग सुने हैं ना कि पत्थर भी तैर गया वो ईश्वर चाहता है जो स्वभाव पर भी कंट्रोलर कंट्रोल ईश्वर का है ऐसा नहीं है कि स्वभाव स्वतः चालित हो रहा है स्वभाव से सब हो रहा है प्रकृति के गुण कर रहे हैं लेकिन अध्यक्षता ईश्वर के हाथ में है भगवान अपने गीता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं बोल रहे लेकिन अब तो कालात्मना काल स्वरूप है सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले वही हैं और जैसे भगवान बोले वैसे ही सब गोप लोग उनके बात को स्वीकार कर लिए और भगवान ने एक एक चीज बतलाए इंद्र की पूजा नहीं करनी है और आप सुविधा प्रदान करने की बात करते हैं देवता की बात करते हैं तो, तो प्रत्यक्ष है कि हम लोग तो वैश्य जाति के हैं और हम लोग गाय की रक्षा करते हैं गोपालन करते हैं तो गोपालन में तो गिरराज जी हमारे देवता है यही सुविधा प्रदान कर रहे हैं ब्राह्मण लोग देवता है उनके आशीर्वाद से समृद्धि हो रही है या अप, अपने तक हम लोग दृष्टि रखें तो हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी देवता गाय हैं उनके दूध से हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि गाय पर्वत ब्राह्मण इन्हीं की पूजा की जाए यही प्रकट देवता है आप लोगों को यदि पसंद पड़े और इस बात को स्वीकार कीजिए और भगवान ऐसे बोल रहे थे भगवान में इतना स्नेह है कि सब लोग स्वीकार कर लिए और भगवान पूजा की पद्धति बतलाए के सबको बलि अर्पित करना है ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देना है गायों को घास देना है अग्नि में आहुति करनी है आहुति प्रदान करना है और जी को बलि दे करके इनको संतुष्ट करना है तो साधु अग्रण जैसे भगवान बोले वैसे ही वो लोग स्वीकार कर लिए भगवान बतलाए कि गिरराज जी को धूप दे करके, गंध दे करके और दीप दे करके उनकी पूजा करनी है और इसके बाद स्वलंकृत भुक्तवंत अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके और भोजन करके गिरिराज जी की परिदक्षिणा करनी है परिक्रमा करनी है यहाँ एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विधान दे रहे हैं कि भुक्तवंत स्वलंकृत अलंकार धारण करके भोजन करके गिरिराज जी की परिक्रमा करें और वैसा ही हुआ स्त्रियाँ खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी गहना पहनी और गाड़ी पर बैठ करके के भगवान के गीत गाते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा की और एक चीज यहाँ आपको समझना चाहिए कि जो विधान दिया जा रहा है वो तो टेक्निकली शास्त्र के शब्द में इसको उपलक्षण कहा जाता है विशेषण नहीं है विशेषण का मतलब होता है कि उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता और उपलक्षण का मतलब है कि यह आवश्यक नहीं है कि सदा ही इसका योग हो ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते होंगे वो तो जो प्रसिद्ध श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम आनुकूल्यनम इसकी व्याख्या में जीव गोस्वामी लिखे कि उपलक्षण नहीं है विशेषण है मतलब अनुकूल का त्याग नहीं किया जा सकता आनुकूल्य का अभाव हुआ तो भक्ति उत्तम नहीं रह जाएगी और विशेषण का मतलब है कि उसका वियोग नहीं किया जा सकता उसको हटाया नहीं जा सकता तो यहाँ ये जो भोजन करके परिक्रमा करने की बात है अलंकार धारण करके परिक्रमा करने की बात है तो विशेषण नहीं है उपलक्षण है मतलब बिना अच्छा कपड़ा पहने भी परिक्रमा करें तो उसमें कोई दोष नहीं है बिना भोजन किए भी परिक्रमा करें तो उसमें कोई दोष नहीं है भोजन करके भी परिक्रमा करें उसमें अच्छा है खूब अच्छा कपड़ा पहन करके परिक्रमा करें बहुत अच्छी बात है भोजन करके गिरिराज जी का परिक्रमा करना दोष नहीं है लेकिन भोजन करते हुए परिक्रमा करना यह दोष है <laughs> <laughs> कुछ लोग चिनिया मुंगफली फोड़ते रहते हैं परिक्रमा कर <laughs> <laughs> जैसे भगवान बतलाए वैसे वो लोग स्वीकार किए और भगवान ने उनको विश्वास दिलाने के लिए एक रूप से पर्वत पर भी स्थित हो गए बहुत बृहत आकार में और वे कहने लगे कि में हम पर्वत हैं और जो भी ब्रजवासी उनको भोग अर्पित कर रहे थे तो उसको सीधा वे स्वीकार कर रहे थे और जब भगवान प्रवचन किए गिरिराज जी के महिमा बतलाए, तो सब ब्रजवासी स्वीकार किए और ब्रजवा तो सब ब्रजवासी गाड़ी पर लाद लाद करके सामान ला रहे थे पहले ही भगवान कह दिए थे कि बहुत पकवान बनना चाहिए वो तो भात इत्यादि बना तो पर्वत के आकार का ही हो गया जैसे पर्वत का शिखर होता अन्न कुट कहते ही हैं, कुट मतलब शिखर और खूब अधिक मात्रा में बनाया गया और सर्व गृह्यता भगवान आदेश दिए कि सारे दूध का संग्रह किया जाए, तो कितने ब्रजवासी बड़े बड़े मटका में दही जमा करके ले आ रहे थे खीर बना करके आ रहे थे और वे दूर थे वहीं से गिरराज हाथ बढ़ा करके और उसको स्वीकार कर लेते थे और बृहद बपू बहुत बड़ा आकार है और सीधे मटका उठा करके पी जाते थे गिलास इत्यादि की जरूरत नहीं थी और ब्रजवासियों के मन में तो बहुत प्रसन्नता हुई कृष्ण के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई कि वास्तव में यह देवता अंतर जरूर है अरे वो सारो इंद्र को तो हम लोग सैकड़ों साल से किए कभी दर्शन नहीं दियो लेकिन ये तो प्रथम पूजा में ही प्रकट हो गया और बहुत प्रसन्न थे और आपस में चर्चा कर रहे थे हाँ कि कृष्ण सच्चा देवता प्रकट किया और इंद्र तो कई एक साल से पूजा को स्वीकार कर रहे थे तो उनका वो डेट था तो प्रतीक्षा में थे और संध्या हो गई और तब तक कोई मैसेज भी नहीं आया और वे अपना दूत भेज दिए देखिए जो अभिमानी लोग होते हैं घमंड में होते हैं तो उनका कोई सम्मान करता है तो उस पर उनका उतना ध्यान नहीं रहता है लेकिन सम्मान का अभाव हुआ तो जरूर उस पर ध्यान चला जाएगा हम <laughs> कहिए के यहाँ भूमि के लोकपालों को देखते हैं कि तो उनका जब क्लास है तो कौन गया बैठा उसको अप्रिसिएट नहीं करेंगे लेकिन क्लास से ऑबसेंट रह गया तो उसकी जानकारी जरूर लेंगे कहाँ गया था <laughs> इस कान के लोकपालों के हम देखे हैं ऐसा क्लास में बैठे हैं तो कोई उसे अप्रिसिएट नहीं करेंगे लेकिन नहीं है तो जरूर जिज्ञासा करेंगे और इंद्र का पूजा हो रहा था तो कभी अब उनकी प्रशंसा नहीं किए वो थैंक्स नहीं दिए लेकिन पूजा जब बेहद हो गया नहीं मिला तुरंत दूत भेज दिए अब दूत यहाँ आए वो पता कर रहे तो देख रहे हैं कि घर घर में लोग भगवान की प्रशंसा पूजा पद्धति की प्रशंसा कर रहे है गिरिराज जी की प्रशंसा कर रहे अब तो दूत लोग अब पूरा वीडियो ही भेज दिए <laughs> रिकॉर्डिंग भेज दिए जो लोकपाल लोग, लोग हैं तो वो लोग अपने दूतों से ही कइए कार्य कर लेते हैं जब मैं संन्यास के लिए गया था बर्मा में मिशन था तो वहाँ मैं गया वहाँ हमको क्लास देना था बली महाराज के विषय में तो मैं कहा कि प्रभुपा जी का पुस्तक लाइए वो तो उस सेंटर में वो प्रभुपा जी का पुस्तक नहीं था वो बतलाए प्रेसिडेंट की मंगाए थे कोई ले गया नहीं मिल रहा और हिंदी का वहाँ पुस्तक नहीं था अंग्रेजी का भी नहीं था और हम कहें कि वही वह जो मनीमार है वही वह पुस्तक ला दीजिए हमको तो संस्कृत से मतलब है जो बर्मा का लैंग्वेज है वो तो लोग बतलाए कि अभी केवल फर्स्ट कैंट हुआ है एर्थ कैंट आया नहीं है अब हमारे सामने समस्या एक हम श्रीधर स्वामी का टीका लेकर के गए थे और टीका लेकर के बैठ गए <laughs> अब सुनते हैं कि वो जो जिनको रिपोर्ट देना था वे नहीं थे लेकिन वो तो वीडियो में देख रहे हैं उनको भेजा जा रहा था तो अब एक <laughs> मैंने चर्चा का विषय हो गया कि प्रभुपा जी का पुस्तक नहीं लिया हम तो मजबूरी में लिए थे हमको भी कॉन्फिडेंस था कि श्रीधर स्वामी की तो मान्यता है सब मानते हैं <laughs> तो हम यह कह रहे हैं कि लोकपाल लोग तो अपने दूत से भी कई एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अब इंद्र को तो पूरा वो वीडियो ही दे दिए कि कृष्ण प्रवचन किया है उसके बाद से हमारी पूजा को रोक दिए हैं तो इंद्रस्तात्मन पूजा विज्ञा विहताम नृप गोप्येभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्य चुकोप सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हे नृप संबोधित कर रहे हैं आप राजा हैं आपको पता है कि सम्मान न मिलने से राजा लोग कुपित हो जाते हैं आपको तो अनुभव है वह इंद्र बहुत कुपित हो गए उनकी पीजा पूजा बिहत हो गई तो अब पूजा रोके नहीं थे भगवान उसको एक तरह से नष्ट ही कर दिए थे और नई परंपरा ही चालू कर दिए कि अब इंद्र की पूजा नहीं होगी गिरिराज जी की पूजा होगी और सब ब्रजवासी इसको स्वीकार कर लिए थे कि इतका तो प्रकट रिस्पॉन्स मिल रहा है तो यही ठीक है तो गोपों पर बहुत कुपित हुए कृष्ण कृष्णनाथे कृष्ण उनके रक्षक हैं तो गणम सांवर्तकम नाम मेघानम चातकारिणा इंद्र प्रचोदयत क्रुद्ध वाक्यम चाहे मान्युत कह रहे हैं कि अब इंद्र धैर्य खो दिए इतना क्रोध में थे अरे जो सैकड़ों वर्ष पूजा किया है एक साल पूजा नहीं किया तो सो कॉज नोटिस देना चाहिए कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्या कारण है लेकिन ना इतने क्रोध में थे कि सीधे वे मेघ को आदेश दिया और किस मेघ को गणम सामवर्तकम नाम मेघानम चांतकारिणाम तो मेघों में जो सांबर्तक मेघ है ये एक शब्द समझना चाहिए संबर्त संबर्त मतलब प्रलय और इसी में क लग जाता है तो करने वाला तो सांबर्तक मतलब प्रलय करने वाले तो मेघ भी है वायु भी है आग भी है कई एक जगह आप लोग सांबर्तक अग्नि सांबर्तक मेघ सांबर तक वायु ऐसा शब्द सुनेंगे और जिन मेघों का उपयोग प्रलय करने के लिए किया जाता है वो उनको वे आदेश दिए कई एक ढंग के मेघ हैं लेकिन जो प्रलय के लिए उपयोगी है तो उनको तो अब उस समय नियुक्त किया जाता है उस समय उनकी उपयोगिता है लेकिन अब सीधे ब्रज को नष्ट करने के लिए वो प्रलय कार करने वाले जो बादल हैं, तो उनको वे आदेश दिए प्राचोदयत उनको प्रेरित किए जाओ तो गणम सामर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम उन मेघ समूह को जो प्रलय करने वाले हैं उनको प्रेरित किए और च मेघा नाम च अंतकारी नाम जो अंत करने वाले हैं तो केवल मेघ को ही नहीं चकारा च से वे ध्वनित है कि जो प्रलय करने वाले वायु हैं तो उनको भी प्रेरित किए कि जाकर के नाश करो बह प्रवह कई एक वायु हैं जो प्रलय करने वाले हैं इंद्र प्राचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहे से मान्युता। और उनको तो प्रेरित किए कि जाओ ब्रज को नष्ट करो गोपों को नष्ट करो और केवल उनको ही नहीं प्रेरित किए इतने क्रोध में थे कि वाक्यम चाह इस से मानी उत और कुछ बोलना भी प्रारंभ किए वे क्रोध क्यों कर रहे हैं इस मानी वे अपने को भगवान मानते थे यही कृष्ण को पसंद नहीं था पोजीशन दे दिया गया तो भगवान तो नहीं हो गए ना भगवान के अधीन है ना लेकिन इंद्र की स्थिति थी कि अपने को ईश्वर मानते थे बहुत क्रोध में थे और प्रलय के लिए आदेश तो दिए ही मेघों को वायु को और बोलना भी प्रारंभ किए अहो श्रीमद महात्म्यम गोपा नाम कान नौक कह रहे हैं अरे ये गोपों के धन का घमंड देखो अब शब्द को देखते चलिए अहो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं एक्सक्लेमेट्री सेंटेंस बोल रहे हैं फ्री मद महात्म्य श्री मतलब धन इनके संपत्ति के मद मतलब घमंड अब इसका करमात देखो और गोपों की स्थिति क्या है कि कान नौ कसा उनको घर द्वार का ठिकान नहीं है कहीं घर नहीं है कान वन में रहते हैं लेकिन थोड़ा सा धन हो गया गायों की वृद्धि हो गई तो इनका कितना घमंड बढ़ गया है कृष्ण मर्त मुपाश्रित ये चक्रुर हेलन के कृष्ण का आश्रय लेकर के कृष्ण जो साधारण लड़का है और उसका आश्रय लेकर के देवता की अवहेलना कर दिए कितना उनका घमंड है श्रीमद श्रीमद कहने का अर्थ है कि उनको धन का घमंड हो गया जो गरीब व्यक्ति है थोड़ा भी धन आ जाने पर घमंड बढ़ जाता है। अब यहाँ तो कहावत कहने का कोई अर्थ नहीं है लेकिन अनंत कृष्ण महाराज भी हैं गगरी भर अनाज भैल जोलाहा के राज भैल <laughs> एक जोलहा था वो कपड़ा बेच करके किसी तरह भरण पोषण कर रहा था लेकिन कुछ उसका सेविंग होने लगा तो एक मटका ऑन हो गया तो उसी में बहुत घमंड करने लगा और इंद्र के कहने का आशा है कि कान नौ अरे कहीं उनका फ्लैट नहीं है कोई घर नहीं है अभी बुकिंग भी नहीं लिया वन में रहते हैं लेकिन तो गायों की वृद्धि हो गई है अब गाय इनको धन प्राप्त हो गया तो इस धन का इतना महत्व हो गया इतना इनको घमंड हो गया कि एक छोटे से लड़के की बात मान करके और देवता की अवहेलना कर दे, कितना भारी घमंड इंद्र क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं ना धन का बहुत भारी घमंड हो गया देवता का अवहेलना कर दे। देवता तो पुज्य होते हैं लेकिन सरस्वती जी भगवान को कभी गाली नहीं दे सकते इंद्र बहुत भारी गाली दे रहे कृष्ण को मर्त्य कह रहे हैं मरने वाला मर्त्य मतलब मरने वाला वास्तव में भगवान का अपमान लोग करते हैं लेकिन मायावादी सबसे बड़ा अपमान करते हैं इस अर्थ में कि भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके श्री विग्रह को माया का विकार मानते हैं, अब इससे बड़ा अपमान भगवान का नहीं हो सकता वो भगवान जो जन्म मृत्यु से परे हैं, उनको सीधे कृष्ण कह इंद्र कह रहे हैं कि मर्त्यम उपाश्रित्य एक मनुष्य का आश्रय लेकर के और देवता का अपमान कर दिए एक तरह से कह रहे हैं कि उनको बुद्धि एकदम नहीं है एक गोपा गोपाना, गाय चराने वाले हैं चरवाहा अरे थोड़ी भी बुद्धि होती तो मनुष्य के फेरे में पर करके देवता का अपमान नहीं कर सकते वो इंद्र तो गाली दे रहे हैं लेकिन सरस्वती जी कभी भगवान को गाली नहीं दे सकती तो वाणी के तो वे हैं सरस्वती जी का क्या आशय है थोड़ा इसको विचार करेंगे अहो वो आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं सरस्वती जी गोपा नाम श्री मद महात्म्य गोपों का श्री श्री मतलब सौंदर्य ब्यूटी और मद मद मतलब हर्ष प्लीजर और महात्म्य इम्पोर्टेंस, ग्लोरी तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं सरस्वती जी गोपों के भक्ति की महिमा पर इनका कितना उन्नत भक्ति है और इनके उस भक्ति के प्रभाव को देखा जा सकता है किस रूप में सौंदर्य हर्ष और महिमा के दृष्टि से कि क्या गोपों का सौंदर्य है क्या इनकी प्रसन्नता है और कितनी इनकी महिमा है समझ रहे हैं तीनों शब्द इसी के लिए अश्लोक में यहां डिस्प्ले किया, श्री मतलब सौंदर्य और भक्ति करने से सौंदर्य बढ़ जाता है या सौंदर्य स्थिर रहता है भागवतम में कई एक जगह इसका उल्लेख है द्वारका वासियों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भगवान को देख रहे थे और देखने में इतना वे आनंद अनुभव कर रहे थे कि जुआन प्रव प्रवयसो अपि जुआन उनका उम्र बहुत अधिक हो गया था लेकिन अभी जुआ थे प्रवयसो अपी जुआ नौढ़ा को प्राप्त क उनका वयस मतलब उम्र बहुत अधिक हो गया लेकिन भगवान के दर्शन के आनंद का प्रभाव है कि वे जुआवस्था में आप जब विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद पढ़ते हैं तृतीय स्कंध में जब उद्धव जी भगवान का विरह अनुभव करके भगवान उनको कह दिए कि अब हम अपने लीला का संवरण करेंगे अपने श्री विग्रह को ओझल करेंगे और तुम बद्रिकाश्रम जाओ यद्यपि भगवान उनको ज्ञान दिए उद्धव जी ज्ञान दिए उद्धव जी को क्यों ज्ञान दिए उद्धव जी बहुत कातर हो रहे उद्धव जी अस्पष्ट रूप से इसको स्वीकार किए तुरक्त मुनेर मुकुंद आश्रीण माम अनुराग हास समीक्षा विश्रमयन उवाच उद्धव जी कह रहे हैं कि वही मैत्रेय जी भी आ गए और मैत्रेय जी का पोजीशन बतला रहे हैं कि प्रमोद भावा नत नतकर्स्य वे भक्ति में इतने उन्नत हैं वे भक्ति के आनंद का अनुभव करते हैं कि उसका अनुभव है उसका प्रभाव आया है कि अस्थाई रूप से उनका गर्दन झुक गया है वे हृदय में कोई भाव आता है तो शरीर पर उसका लक्षण देखा जाता है जो बहुत चिंता में है तो उसका लाट सिकुड़ जाता है लगातार चिंता में रहते हैं तो अस्थाई रूप से सिकुड़न दिखाई देता है मैत्रेय ऋषि की स्थिति थी कि इतने भक्ति के आनंद में शराबोर रहते थे कि अस्थाई लक्षण आ गया था प्रमोद भावा नत कंधरस्य उनका गर्दन झुक गया था गर्दन झुक गई थी और कह रहे हैं कि यदृया आ गया आश्रीण ऐसे उन्नत भक्त है खूब अच्छा से सुन रहे हैं लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि माम उद्धव भगवान हमको उपदेश दिए क्योंकि हमें बहुत कातरता हो रही थी हमको सांत्वना देने के लिए वे श्रीमद भागवतम का उपदेश दिए और यद्यपि भगवान अपने तरफ से प्रयास किए थे उद्धव जी को सांत्वना देने के लिए सब कार्य भी दिए थे लेकिन फिर भी अब भगवान विदा हो गए तो उद्धव जी इतना कातर हो गए इतना भगवान के विरह का अनुभव होने लगा कि अपने विरह को शांत करने के लिए वे ब्रजमंडल में आ गए वृंदावन में आ गए क्योंकि यहां भगवान का नित्य आवास है श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लिखते हैं कि अपने विरह को शांत करने के लिए उद्धव जी आ गए वो कह रहे हैं कि आज भी कोई वृंदावन में जाता है जमुना के तट पर जाता है वो तो प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन हो या न हो उनके उपस्थिति का आभास जरूर होता है उपस्थिति का अनुभव जरूर होता है श्रील प्रभुपाद जी थर्ड कैंटो में लिखे प्रत्यक्ष दर्शन हो या ना हो लेकिन उनके उपस्थिति का अनुभव जरूर होता है और जी इतना अनुभव कर रहे थे कि उस बुरा को शांत करने के लिए वे ब्रज में आ गए अब ब्रज में उसी क्रम में विदुर जी से भेंट हुई अब तो बेदुर जी उद्धव को देह करके और कई एक प्रश्न पूछने लगे जादवों के विषय में कौरवों के विषय में बहुत आतुरता से कातरता के साथ प्रश्न कर रहे हैं लेकिन इति पृष्ठ भगवत वार्ता प्रयास उद्धव जी बहुत विदुर जी बहुत लालसा के साथ उद्धव जी से पूछ रहे हैं लेकिन उद्धव जी के स्थिति है कि प्रतिवक्तुम नचुत च्युत से है औत्कंठा स्मारितेश्वर उद्धव जी इतनी विदुर जी इतनी कातरता से पूछ रहे हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उद्धव जी के विषय में कि पूछा गए भगवान के बात उनके विषय में लेकिन इति पृष्ठ भगवत पूछे जाने पर भी प्रतिवक्तुम न वे बोलने में समर्थ नहीं है वे उत्तर नहीं दिए क्योंकि कृष्ण का इतना गाढ़ स्मरण हो गया कि अब बोलने का वे साहस ही नहीं कर सके वे कोई प्रश्न कर रहा है तो बोलना चाहिए ये क्या मतलब है कि चुप लगा के सुखदेव गोस्वामी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे बोले यह पंचहायन वे पांच साल के उम्र के थे तो वे खेल खेल में ही भगवान की पूजा करते थे और पूजा में इतनी अभि इतना अभिनिवेश हो जाता था कि वो भोजन का भी इच्छा नहीं होती थी बुलाने पर भी भोजन के लिए नहीं जाते थे और उनके विषय में कह रहे हैं कि काले न जरसम गत उनका परिचय दे रहे हैं कि भगवान में उनका मन निमग्न था और ऐसे ही भगवान की सेवा करते हुए सकथम सेवया तस्य काले न अरे के कैसे वे उत्तर दे दे वे तो भगवान के सेवा में ही जरसम गत वे वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए सेवा करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए एक अर्थ यह है काले न समय के साथ काल के साथ जरसम गत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए लेकिन दूसरा अर्थ है कि काले न जरसम गत उस सेवा का प्रभाव हुआ कि समय तो आ गया सौ साल के लगभग हो गए लेकिन फिर भी न जरसम गत वे वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं आया ये भक्ति का प्रभाव होता है भक्ति का प्रभाव है कि सौंदर्य स्थिर रहता है यह सौंदर्य बढ़ जाता है हृदय में भाव आएगा तो उसका अनुभव प्रकट होगा चीत शक्ति हृदय में आएगा तो उसका तेज भी प्रकट होगा और सरस्वती जी इसी पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं अहो फ्रीम ये गोपों का सौंदर्य देखिए और मद आनंद और इनकी महिमा अहो श्रीमद महात्म गोपानम काननौ नौ का यह अकिंचन है कोई संग्रह नहीं है वन में रहते हैं भाई क्या इनका महात्म है वो कह रहे हैं कि कृष्ण मर्त मुश्रित ये चक्र देव हेलनम ये मर्त शब्द को समझना चाहिए मर्त शब्द के दो अर्थ होंगे मर्त मतलब मरने लायक जो मरने योग्य है जिसकी रचना ही मरने के लिए की गई है उसको कहा जाएगा मर्त एक अर्थ हुआ और दूसरा अर्थ है जो मरने वाले के हितैषी हो हितैषी के अर्थ में भी ये मर्त शब्द का प्रयोग होता है हम व्याकरण ठीक से नहीं जानते हैं कैसे कैसे प्रत्यय बनता है लेकिन ऐसा कोई एक शब्द आता है जैसे आप भागवतम पढ़ते हैं तो भगवान जब गोचारण लीला के लिए जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि तन मंजु तन माधवो वेणु मुदीरयन वृतो भगवान जब गोचारण के लिए चले तन माधवो वे माधव अनिर्वचनीय जिनका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता जिनके उपस्थिति मात्र से वन में बसंत ऋतु आ रहा है तो तन माधवो वेणु मुदीरजन वे वेणु बजा रहे हैं और स्वजसो गिणत भी गोपय वृत उनके जो साथी हैं तो उनके जस का गान कर रहे हैं उनके द्वारा घिरे हुए तन माधवो वेणु मुदीरजन मुदा स्वजसो बलान्वित पशुन पुरस्कृत्य पसव्यमाशत ये पसव्य शब्द हम कह रहे हैं पसव्यम आविशत कुसुमाकर बनम बिहार तुका मूसुमाकरम बनम और बिहार के इच्छा करने के लिए जो वन फूलों से लदा हुआ था फूलों खजाना था तो उस वन में प्रवेश के एक विशेषण दे रहे पसव्यम जो पश्य पशुओं का हितकारी है तो उसी तरह जो मनुष्य का हितकारी है उसको मर्त कहा जा सकता है तो दो अर्थ में मर्त शब्द का प्रयोग होगा जो हितकारी है बेनिफिशियल और मर्त मतलब मोर्टल मरने योग्य तो एक अब यहाँ सरस्वती जी के तरफ से अर्थ लिया जाएगा तो कृष्णम उपाश्रित्य कृष्ण का आश्रय लेकर के चक्रुर मर्त्यम देवहेलनम ऐसी देवता के अवहेलना किए कि मृत्यु सियोर है समझ रहे हैं श्री मर्त्यम देवहेलनम ये देवहेलनम का विशेषण है और देख रहे हैं ना इंद्र वैसी व्यवस्था भी कर दिए सीधे जो प्रलय काल के मेघ है उनको आदेश दिए कि जाओ गोपों को नष्ट कर दो पशु नये संक्षय एकदम आदेश दिए हैं कि संक्षय उनको एकदम मृत्यु को पहुंचा दो और सरस्वती जी कह रही हैं अरे गोपों का क्या महिमा कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है कोई घर द्वार का ठिकान नहीं है लेकिन उनके भक्ति का प्रभाव कितना है उनके सौंदर्य उनके हर्ष उनके महिमा से देखा जा सकता है कि कृष्ण का आश्रय ले करके और एकदम जो मृत्यु प्रदान करने वाला है वैसे देवता की अवहेलना करती है इस रिक्स को ले लिए या उनके भक्ति की महिमा सरस्वती जी गोपों के भक्ति की महिमा व्यक्त कर रही और भगवान का आश्रय लेकर के निश्चिंत रहना यही भक्ति का सिद्धांत है ना भगवान का आश्रय ले लिए तो खाने पीने की चिंता नहीं जीवन मरण में कोई अंतर नहीं मारी वे राखी वे जो इच्छा तो मार यह गोपों की महिमा है कि उनका आश्रय ले करके जो मृत्यु प्रदान करने वाला है वैसे कार्य को मतलब देवता की अवहेलना की है। या दूसरा अर्थ किया जा सकता है कि मर्त्यम कृष्णम आश्रित जो कृष्ण जो हितकारी हैं हितकारी के अर्थ में कृष्ण का विशेषण और कृष्ण हितकारी हैं उनका आश्रय लेकर के चक्रदेव हेलन देवताओं की अवहेलना कर दिए देवता की अवहेलना कर दिए और तो सरस्वती जी के तरफ से तो यह अर्थ है लेकिन यथाश्रुत अर्थ है, जैसे कृष्ण इंद्र बोल रहे हैं तो उस दृष्टि से कि अरे इन गोपों का इन अहिरों का इनको कोई बुद्धि नहीं है जिनको कोई घर द्वार का ठिकाना नहीं है थोड़ी सी गायें बढ़ गई तो उनके घमंड को देखो एक मनुष्य की बात में आ करके और देवता के अवहेलना कर दिए अरे वो कितने निर्बुद्धि हैं यथा दृढ़ कर्मय कृतभिद नाम नव निभ विद्या में अनवीक्षकी में तितिर संति भवारणव अरे कि वे इतने लेस इंटेलिजेंट है कम बुद्धि के हैं कि की विद्या का त्याग करके और कर्म कांड से बंधन को पार करना चाहते भव समुद्र को पार करना चाहते अनुवीक्षिकी विद्या अनुवीक्षिकी विद्या का क्या अर्थ है कि जिस विद्या के बल से जिस विद्या के अनुशीलन से आत्मा और परमात्मा का स्वरूप पता चलता उसका है उसका अनुईक्षण करते उसका साक्षात्कार हो जाता है उस विद्या को कहा जाएगा की विद्या अध्यात्म विद्या और इसको छोड़ करके और एक कर्म कांड का आश्रय लेकर के कोई चाहे कि हम भव सिंधु को पार कर जाए और वह स्थिति है वो ईश्वर के आश्रय को त्याग करके देवता के आश्रय को त्याग करके और मनुष्य का आश्रय ले रहे ये कितनी मूर्खता है कर्मकांड करके कोई भौतिक सुविधा प्राप्त कर सकता है भव समुद्र को नहीं पार कर सकता माया के बंधन को नहीं लांग सकता नव ही भव ये जो कर्मकांड है और इसकी भी व्यवस्था है तो नाव मात्र की नौका का है ये वास्तव में भव समुद्र पार करने का साधन नहीं है अरे तो कर्मकांड इत्यादि की व्यवस्था दी गई है कि इससे ऊब करके और एक दिन कम से कम मोक्ष के लिए यत्न करने लगेंगे जैसे कोई कम बुद्धि का व्यक्ति है तब अब कर्मकांड कोई सोचे कि यही साधन है इसी से हम माया बंधन को पार कर जाए और ज्ञान का अनुशीलन न करे आत्म परमात्मा का अनुशीलन न करे वो तो कैसे माया को पार करेगा आप गीता में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम का पथिक है तो अध्यात्म नित्य उसका एक लक्षण है कई एक लक्षण है उसमें एक लक्षण है कि रोज आत्मा परमात्मा पर विचार पर करता है अध्यात्म नित्य नित्य अध्यात्म पर विचार करता है इंद्र कह रहे हैं कि इन लोगों की वही स्थिति है कि कोई जैसे अध्यात्म को त्याग करके कर्म मार्ग से माया को पार करना चाहता है वैसे ही वे देवता का आश्रय छोड़ करके एक मनुष्य का आश्रय ले रहे हैं तो यह तो इंद्र कह रहे हैं लेकिन सरस्वती जी के तरफ से क्या अर्थ होगा कि यथा दृढ़ कर्म में कर्तृ क्रतुभिर नाम नवनिभे <coughs> आप लोग विद्यालय के हैं हाँ, सहारे तृतीया अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है तो ये क्रतुभि क्रतु, क्रतु यज्ञ तो तृतीया है ना तो क्रतुभि आनवीक्षकी विद्या हित्वा कह रहे हैं कि यज्ञ के साथ कर्मकांड का त्याग तो किए ही ये जो अनवीक्षिकी विद्या है ये जो ज्ञान का मार्ग है इसका भी त्याग कर दिए यथा और तिथि संति भवारणम वे भव समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहे है ऐसा क्यों कि कृष्णम उपाश्रित्य गोपो की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का आश्रय लेकर के कर्म और ज्ञान दोनों का त्याग कर दिए और वे माया को पार करने का कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे केवल इच्छा है कोई प्रयास नहीं है और प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है जो कृष्ण का केवल आश्रय ले लेता है तो भव समुद्र तो गड्ढे गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता है उसको पार करने के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है आप श्रीमद् भागवतम में गर्भ स्तुति में पढ़ें के स्वयं निधाया जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो नौका की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो नाव मात्र का नौका है नौका वहीं छोड़ करके और पार कर जाते हैं नौका लेकर के नहीं जाते हैं गर्भस्तुति में श्लोक आता है ना स्वयं समुते सुदुस्तरम जिसको पार करना बहुत कठिन है लेकिन भगवान का आश्रय लिए तो नाव की जरूरत भी नहीं पड़ती है वहीं का वहीं छोड़ देते हैं और पार कर जाते हैं तो ये गोपों की महिमा है कि किसी विद्या का किसी कर्म का आश्रय नहीं ले रहे केवल भगवान का आश्रय ले रहे अरे कि बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त मुपाश्रित गोपा में चक्रु अप्रियम है फिर वे बोल रहे हैं अब इंद्र के साइड से विचार करें कि एक कृष्ण का आश्रय लेकर के कृष्ण के बात को सुन करके ये देवता के पूजा बंद की और कृष्ण क्या क्या स्वरूप है वाचालम वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता है तत्कालिक अर्थ है, लेंगे अब इंद्र के पास जो रिकॉर्डिंग भेजा गया है कितना बाचाल है फालतू बोलता है अरे स्व दर्शन का भी ज्ञान नहीं अरे बोल रहा है मीमांसा पर बोल रहा है अनिश्वर सांग के बोल रहा है वेदांत पर कुछ विचार नहीं किया भाषण कर रहे तो कुछ विचार करना चाहिए फालतू का बोलने वाला एकदम ठीक कह रहे हैं इंद्र <laughs> वाचालम बालिशम एकदम बुद्धि कम है बुद्धि होती वो तो कुछ विचार करता स्तब्धम एकदम नम्रता तो उसमें है ही नहीं है प्रकट प्रमाण है वहीं बाप उपस्थित है जिस सभा में बाप उपस्थित है अपने बाप को संबोधित करके भाषण ये कर रहा ये कितनी भारी उदंडता है स्तब्ध है और अज्ञान कुछ ज्ञान नहीं है ईश्वर के ही सत्ता को उड़ा रहा है पन, भाई ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा कैसे साहस कर रहा है तो क्योंकि पंडित मानना इसलिए कि अपने को पंडित मानता है अपने को ज्ञानी मानता है और ऐसे कृष्ण साधारण मनुष्य का आश्रय लेकर के गोपा में चक्र अप्रियम हमारा अहित कर दिए ये गोप कितने मूर्ख है इनको दंड मिलना चाहिए बहुत भारी गलती किए ये बहुत भारी घमंड में है सच्चाई यह है कि इंद्र बहुत भारी घमंड में है और उसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान सब व्यवस्था किए लेकिन ये आरोप कर रहे हैं गोपों पर अरे कि कृष्ण तो कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि बहुत फालतू बोलता है बहुत बोलता है बुद्धि एकदम नहीं है बच्चे जैसा है नम्रता एकदम नहीं है अज्ञ है और अपने को पंडित मानता है लेकिन अब सरस्वती जी के तरफ से इसके अर्थ पर विचार करें वाचालम वो वाचाल है बहुत बोलता है अरे सारा वेद पुराण तो भगवान ही बोले हैं ना वेदांत सूत्र में शायद आया है न शास्त्र जो नित्वात। शास्त्र का उद्गम तो उन्हीं से हुआ है बहुत भारी वक्ता है वाचाल तो बालिशम इतने बड़े वक्ता है लेकिन एकदम बच्चे जैसा व्यवहार है कोई अभिमान प्रकट नहीं होता है बालिश भगवान में तो अहंकार नहीं है ना निरहकृत भगवान अहंकार से ऊपर हैं तो सरस्वती जी कह रही हैं कि सब वेद शास्त्र रच दिए अज्ञम उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है लेकिन फिर भी बाल ईसम एकदम बच्चे जैसा सीधे साधे और पंडित मानिनम पंडित पंडित का अर्थ है कि पंडा सद असद विवेक को पंडा कहते हैं उसे जो युक्त है उसको पंडित जो जड़ और चित्त का विवेक कर लेता है उसको पंडित कहा जाता है तो पंडित मानी और जो परमहंस हैं उनका भगवान बहुत सम्मान करते पंडित का बहुत सम्मान करते और इसलिए उनको पंडित मानी कहा जाता है या जो पंडित हैं जड़ चेतन का विवेक रखते हैं ज्ञान रखते हैं तो वे भगवान का बहुत सम्मान करते वही भगवान का सम्मान करते और कृष्णम अरे काला कलूटा <laughs> रंग रूप भी होता रंग भी होता तो एक बात थी रंग भी एकदम काला है और ये साधारण लड़के के आश्रय लेकर के देवता का अवहेलना सरस्वती जी के तरफ से कृष्ण जो सबका आधार है और आनंद घन है कृषि भूवाचक शब्द निवृत्ति वाचक यह जो परम आकर्षक कृष्ण का अब शब्द से अर्थ करें संस्कृत के रूट से तो यही अर्थ होगा जो सब के आधार है और खोद आनंद के घन मूर्ति हैं और दूसरे को आनंद प्रदान करने वाले और तो सरस्वती जी भी अर्थ कर रही हैं लेकिन इंद्र का तो आशय यही है कि अब कृष्ण का इस साधारण लड़के का आश्रय लेकर के देवता का ये अपमान किए ऐसा श्रिया व लिप्ता नाम कृष्ण नमापितात्म नाम धुनता श्री मदस्तंभ पशु नयत अब इंद्र आदेश दे रहे हैं अपने गणों को मेघों को कह रहे हैं कि ऐसा ये जो ब्रज के गोप है श्रिया व लिप्ता इनको धन का बहुत घमंड हो गया है और धन क्या इनके पशु है और इनके घमंड को इनका घमंड है और कृष्ण इनका और मन बढ़ा दिए कृष्ण इनके मन को बढ़ा दिए तो धुनता श्री मदस्तंभ जो उनका घमंड है श्री का धन का वे उजड़ हो गए हैं उच्छृल हो गए हैं और उनके अनम्रता को समाप्त कर दो धुनत और पशु नयत संक्षय इनके घमंड के पीछे इनका धन कारण है पशु है और उनका तो एकदम नाश ही कर दो लेकिन ये तो इंद्र बोल रहे है सरस्वती जी के तरफ से भी अर्थ है ईसा श्रिया व लिपता नाम ये बहुत लेप किए हैं स्वलंकृत वे अलंकार किए हैं तो चंदन इत्यादि का लेप भी किए हैं ना और है कृष्ण न ध्यापितात्मना न और उसके प्रभाव से कृष्ण के द्वारा इनके मन के तेज को बढ़ा दिया गया आत्मा मतलब मन या शरीर तो शरीर के अर्थ पर लेंगे तो तेज बढ़ गया है या मन के अर्थ पर लेंगे तो इनका साहस बढ़ा दिया गया है कृष्ण के द्वारा तो धुन घमंड का या श्रीमद का जो इनका आनंद है और सौंदर्य इसको समाप्त करो और पशुन्नयत संक्षयम पशुओं का नाश करो लेकिन एक अर्थ होता है क्षय मतलब आवास होता है यज स्वच्छयम जब करदम जी के विवाह का प्रसंग है ब्रह्मा जी अपने निवास को चले गए क्षय मतलब निवास होता है वो कह रहे हैं कि पशु नयत संक्षय वे अपने गणों को आदेश दे रहे हैं कि पशुओं को खूब बढ़िया स्थान पर ले चलो वास्तव में एक व्यवस्था दे रहे हैं इंद्र कि ऐसी व्यवस्था करो कि पशु खूब सुखद स्थान पर पहुंच जाए भगवान जब गिरिराज धारण किए तो नीचे बिल्कुल बालू निकल गया खूब कोमल स्थान था पशुओं को बैठने के लिए बहुत सुंदर स्थान था तो सरस्वती जी के तरफ से देखें तो इंद्र ऐसा आदेश दे रहे हैं और इंद्र कह रहे हैं कि अहम चैरावतम नागम आरुहियानु ब्रजे ब्रजम मरुद गणेर महावेगर नंद गोष्ठ जिघानसया अब देवताओं को ऐसा आदेश बादलों को आदेश दे रहे हैं अपने गणों को आदेश दे रहे हैं वे कृष्ण के विषय में कुछ तो जानते होंगे मानो वे कुछ भय व्यक्त करें कि अरे कैसे हम लोग नाश करेंगे हम लोगों का है ताकत और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम लोगों को भय नहीं करना है मैं पीछे से आ रहा हूँ अरे भय नहीं है तो आगे से क्यों नहीं चल रहा ये <laughs> इंद्र भी भाषण कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ उनका भी भय है <laughs> कि पीछे से हम आ रहे हैं एक आशय यह है कि तुम लोग खूब वर्षा करो नष्ट कर दो बहवा दो और यह चिंता मत करो कि जल कम पड़ेगा हम ऐरावत पर चढ़ करके आ रहे हैं और जल की आपूर्ति करते रहेंगे वो हाथी का कनेक्शन है जल के आपूर्ति में अब हम बहुत विस्तार से इस बात को नहीं जानते हैं लेकिन गांवों में यह प्रचलन है कि जब हाथी का सूंड लटकता है तो वर्षा बहुत अधिक होती है पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं हम लोग तो गांव में कहते हैं हाथी के लटकल लटकलवा वर्षा होई उसके व्याख्या करते हैं कि कुछ ऐसा दबाव बन जाता है कि पानी वाष्प बन करके आकाश में नहीं जाता है सीधे लिक्विड रूप में जाने लगता है ऊपर चढ़ने लगता है और इसके इसका प्रमाण भी है कभी कभी आकाश से मछली भी गिरते हैं ऐसा देखा गया है तो इसका सिद्धांत क्या है को तो जो सूढ़ लटका कहते हैं वो हवा का दबाव ऐसा हुआ भयकुम बन जाता है कि पानी डायरेक्ट ऊपर जाने लगता है और ऐसा होने पर खूब जोर से वर्षा होती है तो हम इतना ही कह रहे हैं कि हाथी से अब आकाश में जल का कनेक्शन है तो इसी अर्थ में इंद्र कह रहे हैं कि आप लोग यह चिंता मत कीजिए कि पानी समाप्त हो जाएगा हम जल की सप्लाई करते रहेंगे आपूर्ति करेंगे हाथी पर चढ़ के आ रहे हैं और ऐसे आदेश दिए अब स्वामी का आदेश मिला ये लोग गए और यद्यपि उनकी क्या चेतना है इस पर भी विचार किया गया है जैसे कौन से अक्रूर जी को आज्ञा दिया आ, कौन से के आज्ञा से अक्रूर जी जा रहे हैं लेकिन उनकी भावना दूसरी है तो उसी तरह ये लोग भी आए अपने स्वामी के आज्ञा को पा करके लेकिन इनकी चेतना कुछ और ही है इसको हरी सूरी जी व्यक्त किए हैं लेकिन समय और ज्ञान के अभाव में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो इंद्र बहुत क्रोध में थे आए बादल लोग तो बादल कई एक रंग के थे कोई लाल रंग के कोई पीले रंग का सब हरिवंश ग्रंथ में दिया गया और है और वर्षा प्रारंभ किए तो जैसे छोटा छोटा बिंदु गिरता है हम लोग देखते हैं तो उस समय हाथी के आकार का बिंदु गिर रहा था ऐसा नहीं कि इतना हाथी का जो साइज होता है वो वैसा और कभी कभी वर्षा के जो धारा चलती है तो स्थूणा स्थूण ऐसे लिखा जैसे पीलर है तो ऐसे धारा चल रही थी और वज्रपात हो रहा था इंद्र का उद्देश्य था कि पर्वत का सहारा ले रहा है इसकी पूजा कर रहा है और ये पर्वत हमारा प्रतिद्वी प्रतिद्वंदी बन रहा है इसका तो टुकड़ा टुकड़ा करके और ऐसे बहवा देना है कि कहीं इसका पता भी ना चले और इसलिए वज्र मार रहे थे और बहुत तेज वर्षा लेकिन सात दिन तक तो कुछ असर नहीं हुआ तो अब इंद्र कहे कि अब मामला कुछ गड़बड़ है चलो 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 ऐसे छोड़ो वो भगवान तो उठाए थे गिरिराज जी को और सबको आदेश दिए सबसे पहले अपने माता पिता को आ जाइए जहां आपको जगह मिले यथा जोशम जहां कम्फोर्ट अनुभव करें वहां आकर के खड़भा मत कीजिए ये हमारे हाथ से गिरने वाला नहीं और भगवान स्वभाव की बात कर रहे थे स्वभाव तो बदल गया पहाड़ भारी होता है लेकिन गिरिराज एकदम हल्का हो गए फूल के समान हल्का स्वभाव का सिद्धांत नहीं चलता ईश्वर की महिमा है ईश्वर का स्पर्श पा करके पहाड़ इतना सुख अनुभव किया कि वह फूल के समान हो गया और भगवान सात दिन तक गिरिराज को धारण किए रहे गोवर्धन को धारण किए रहे आदेश दिए थे कि पशु नए संक्षयम पशुओं को खूब अच्छे स्थान पर ले चलो वास्तव में एक गिरराज के ऐसे गिरिराज धारण की ऐसी लीला है कि गायों के लिए गोपियों के लिए और ग्वालों के लिए इतना सुखद निवास कभी नहीं मिला था ये सात दिन तक अखंड कृष्ण का सानिध्य ऐसा कभी आवास नहीं मिला था फर्स्ट टाइम है कि सात दिन तक अखंड गायों को साथ मिल रहा गोपियों को साथ मिल रहा ग्वालों को साथ मिल रहा और इसका प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ा ब्रजवासियों के चित्त पर इस लीला का छाप बहुत गहरा पड़ा इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे लेकिन भगवान ने सबको आश्वासन दे कि किसी प्रकार के किसी भय की आवश्यकता नहीं है वो खास करके गोपियां बहुत सुख अनुभव कर रही थी ये प्रथम अवसर है कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कृष्ण को देखने में और कृष्ण कितना सुख अनुभव किए और उनकी क्या स्थिति है एक के अश्लोक से आप समझ सकते हैं। विलोमंगल ठाकुर कहते हैं कि यो गोकुल गोपनाय जो गायों की या ब्रज की रक्षा के लिए एकेन न हस्ते न एक हाथ से लीलया खेल खेल में गोवर्धनम उद्धार गोवर्धन को उखाड़ लिए ऊंचा धारण किए खेल खेल में जो एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया उसकी क्या स्थिति है स्वीन सकम्प सबभूव राधा पयोधर दर्शने कृष्ण को बहुत सुख का अनुभव हो रहा था गोपियों के बीच में है गिर जी का भार तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था वे राधा रानी के सौंदर्य से इतना आकृष्ट थे कि समय का कुछ पता नहीं चल रहा था वो आस्वादन कर रहे थे लेकिन क्षमाधर पयोधर दर्शने न कृष्ण की दृष्टि जब राधा रानी के स्तन पर पड़ा क्षमाधर वो बड़े बड़े जो स्तन है पर्वत के समान पयोधर जो दूध को धारण करते हैं तो स्विन्ना स कम सबू राधा पयोधर क्षमाधर दर्शने न राधा रानी के सौंदर्य में निमग्न थे उनके बक्षोज पर दृष्टि पड़ते ही कृष्ण को पसीना आने लगी और वे थर थर लगे और ये आनंद अनुभव कर रहे हैं तो हम यह कह रहे हैं कि जो गिरिराज धारण की लीला है कृष्ण के लिए भी बहुत सुखद है और ब्रजवासियों के लिए बहुत सुखद है और ब्रजवासियों पर इस सुख का बहुत गहरा छाप पड़ा उनके हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा और उस प्रभाव को सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किए हैं और उन सब बातों को हम लोग कल सुनने का प्रयास करेंगे हरे कृष्णा हाँ बोलिए हरे कृष्ण महाराज से आप प्रवचन में बताए और यह श्लोक भी जो आपने शुरुआत में प्रारंभ में कहे कि भगवान ने ब्रजवासियों को किस तरह से पूजा करने की सारी विधि बताएं और विशेष करके प्रदक्षिणा करने की तो उसमें आपने उपलक्षण और विशेषण के द्वारा सुंदर व्याख्या की तो जो प्रदक्षिणा की विधि है वो वास्तव में किस तरह से होना चाहिए कि वो यान में करे या चल के करे या कोई कोई सोते सोते हाँ, करते ठीक, ठीक ठीक बहुत सुंदर प्रश्न है देखिए प्रदक्षिणा की विधि है कि पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए गाय की प्रदक्षिणा अग्नि की प्रदक्षिणा और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा गाय की भी प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो उनको भोजन दे करके घास दे करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए ब्राह्मणों को खिला पिला करके प्रदक्षिणा और तो गिरिराज जी की पूजा करके प्रदक्षिणा की पहले उनको बलि अर्पित किए मतलब धूप दीप जो भी है नैवेद्य और इसके बाद प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो प्रदक्षिणा के विषय में लिखा गया है कि बैलगाड़ी पर बैठ के प्रदक्षिणा कर रहे हैं लेकिन कौन बैलगाड़ी पर बैठे हैं स्त्री बालक और वृद्ध वो तो प्रदक्षिणा चल करके किया जाता है लेकिन जो सक्षम नहीं है वे बैलगाड़ी पर कर सकते हैं रिक्शा पर कर सकते हैं अब एक और प्रश्न आ जाता है कि कार में प्रदक्षिणा करने से फल नहीं मिलेगा अब हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसा मैं सुना हूँ या अपना विचार है कि जितने धीमे साधन से करेंगे उतना अच्छा है पैदल नहीं कर सकते तो ठेला से कीजिए रिक्शा से कीजिए और वैसा भी अब टाइम का भी अभाव है तो कार से भी कर रहे हैं तो कम से कम दर्शन तो हो रहा है वो प्रदक्षिणा का तो लाभ नहीं मिलेगा लेकिन ज्यादा देर तक दर्शन किए उसका कुछ लाभ मिलेगा जी का सानिध्य में रहे उसका लाभ मिलेगा प्रदक्षिणा वाहन से नहीं किया जाता वाहन से बच्चों को लेकर के प्रदक्षिणा कर सकते अब किसी किसी के मजबूरी है छोटे छोटे बच्चे हैं अब उसकी भी इच्छा है कि प्रदक्षिणा करे तो बच्चे को रिक्शा पर बैठा देती है ठेला पर बैठा देती है अब बच्चे हैं तो कुछ उनके खाने पीने के लिए भी सामान चाहिए कपड़ा भी चाहिए तो उसको रिक्शा पर रख देते हैं और चलते हैं अब कोई कोई गृहस्थ हैं उनके प्रदक्षिणा करने की इच्छा है लेकिन अब श्रीमती जी को साथ ले करके चले तो भारी फजियत में पड़ेंगे गिरिराज जी के सामने तो एक उधर तो एक मिनट ध्यान नहीं जाएगा पूरा वो ध्यान अपने तरफ कैच करके रखेंगे तो अच्छा है कि उनको रिक्शा पर बैठा दीजिए <laughs> <laughs> देखिए बात कहने पर <laughs> अब एक घटना याद आ गई मैंने पहले से नहीं याद भी नहीं था पिछले साल मैं मायापुर था और एक यंग कपूल आए स्नान करने के लिए हम गंगा जी के घाट पर थे हाँ वो स्त्री इतना ड्रामा कर रहे थे वो रिक्वेस्ट करते करते पानी में ले गया <laughs> हाँ वो पानी में डूबने में उसको कितना मतलब ऐसे <laughs> पकड़ रही थी वैसे हम यह कह रहे हैं कि ये जो विधान दिया जा रहा है वाहन का विधान है लेकिन स्त्री बच्चे और वृद्ध के लिए भगवान वृंदावन के भी यात्रा किए तो बच्चे स्त्री और कृष्ण वृद्ध गाड़ी पर थे और जो गोप लोग थे वे पैदल आ रहे थे आत्मसरासन धनुष बाण लेकर के रक्षा के मूड में बच्चे स्त्री और वृद्ध जो असहाय हैं जो सक्षम नहीं हैं तो वे वाहन से कर सकते देखिए दंडवत परिक्रमा के विषय में यहाँ कुछ उल्लेख नहीं आया है आया भी होगा तो हम पढ़े नहीं हैं लेकिन अब एक विचार है कि हम लोगों के आचार्य परंपरा में तो यह नहीं है लेकिन एक दृष्टि से विचार करें तो इसमें कोई क्षति भी नहीं है ये दंडवती परिक्रमा का अर्थ क्या है गिरिराज जी को दंडवत कर रहे हैं या धाम को दंडवत कर रहे हैं तो ये सात दिन दंडवत में बीत रहा है तो इसमें क्या क्षति है लेकिन एक चीज़ है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम का विधान नहीं अष्टांग दंडवत का प्रणाम विधान नहीं उनको पंचांग दंडवत का विधान है अब फिर प्रश्न आएगा कि स्त्रियों के साथ ऐसा है जहाँ तक हमें जानकारी है स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है कि स्त्री के लिए अपने बक्षोज को अस्तन को पृथ्वी में स्पर्श करना अपराध माना जाता है पुरुष के लिए अपने गुह अंग को पृथ्वी को दिखाना यह अपराध है इसी से गाँव में परंपरा है कि ऐसे केवल गमछा नहीं पहनते हैं कौपीन है तब तो ठीक तो है कौपीन नहीं है तुरंत तो पछुआ खोस लेते हैं ना आप लोग आज भी देखते हैं बंगाल में उड़ीसा में या बिहार में भी प्रचलन था अब है कि नहीं पता नहीं तो ये अपराध है पुरुष कोई ऐसा अवसर देता है जिससे अब पृथ्वी की दृष्टि पड़े तो यह अपराध है और स्त्रियों के लिए ये बक्षोज का छाती का स्पर्श करना ये अपराध है इसीलिए स्त्रियों को पंचांग दंडवत का विधान है और पुरुष लोग षष्टांग दंडवत कर सकते हैं तो हम कहीं से पढ़े नहीं हैं अपने विचार से कह रहे हैं कि दंडवत परिक्रमा करने में भी कोई दोस्त तो नहीं है कर सकते हैं है। हाँ वो दंडवत रोज करते चार सौ वैष्णवों को नियम रखे थे और भी करते थे एक्स्ट्रा भी करते थे सात पंद्रह से अधिक हो गया है <laughs> नौ पंद्रह से, से मानसिक परिक्रमा देखिए इस विषय में स्पष्ट उल्लेख है भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ चौंसठ भक्ति के गणना है तो उसमें एक है तदीय सेवन तो उसमें चार चीज को ग्रहण किया गया है वैष्णव शास्त्र भगवान का धाम और तुलसी जी तो भगवान के धाम तो उसके सेवन के विषय में रूप गोस्वामी की कारिका है कि श्रुता स्मृता कीर्तिता वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्टा आश्रिता सेविता और दो निर्णाम ये नौ विधा बतला रहे हैं इसमें से किसी से किसी विधा से व्यक्ति धाम का सेवन कर रहा है तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा कोई भी मनोरथ क्या नौ विधा श्रुता धाम के विषय में श्रवण करना और स्मृता धाम का स्मरण करना कीर्तिता धाम का कीर्तन करना उसका ग्लोरीफाई करना और असक्षम है वहां जाने में सक्षम नहीं है लेकिन फिर भी बास करने की जाने की इच्छा करना और प्रेक्षिता प्रेक्षिता का अर्थ है दूरा दर्शनम दूर से दर्शन करना जैसे प्लेन से जा रहे हैं कहीं रोड से बगल के रोड से गुजर रहे हैं और तो कार से दर्शन कर रहे हैं इसको कहा जाएगा प्रेक्षिता यह शास्त्र की बात है और हम अपने तरफ से इसकी व्याख्या करते हैं सही हो गलत हो ए, दूरा दर्शनम दूरदर्शन दूर दर्शन, टीवी पर देखना नेट पर देखना इसको भी ग्रहण कर सकते डिजिटल क्लास बनाए हैं तो इसकी भी महिमा है तो प्रेक्षिता और गता वहां पहुंच जाना और पहुंच गए एक बात हुई लेकिन उससे भिन्न है स्पृष्टा स्पृष्टा का अर्थ है ललाट से स्पर्श करना और आफ्रिता वहीं कहीं कुटिया लहा लिए कोई संस्था पकड़ लिए कोई विद्यालय में वास कर लिए इसको आश्रय कहेंगे और सेविता कुछ नियम ले के धाम की सेवा करते हुए वहाँ रहना तो इसको सेविता कहेंगे तो नौ विधा है इसमें से किसी को व्यक्ति किसी विधा का व्यक्ति आश्रय लेता है तो अभिष्ट दो निर्णय उसका मनोरथ पूर्ण कर देगा धाम तो यह मन से जो परिक्रमा की बात है तो स्पष्ट है कि श्रुता और इसके बाद स्मृता तो इसके अंतर्गत आएगा ये मन ही मन परिक्रमा कर रहे मतलब धाम का स्मरण कर रहे लेकिन एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि सह बराबर नहीं है क्रम है सुनने से श्रेष्ठ है स्मरण करना स्मरण करने से श्रेष्ठ है कीर्तन करना और उससे श्रेष्ठ है इच्छा करना वंछा करना डिजायर करना उससे श्रेष्ठ है भले ही दूर से नेट से उसको देखना उससे भी श्रेष्ठ है वहाँ पहुँच जाना अरे पहुंच गए खड़े खड़े हैं जूता लगाए हुए हैं वो भी ठीक ही है लेकिन उससे श्रेष्ठ है मस्तक से स्पर्श करना मतलब प्रणाम करना और उससे श्रेष्ठ है वहीं निवास करना और उससे श्रेष्ठ है धाम का सेवन करते हुए निवास करना कुछ नियम लेकर के वास करना इससे सिद्धांत के अनुसार कोई मन ही मन परिक्रमा कर रहा है यह भी बहुत सुंदर बात है और उसको परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा कहीं से भी कर सकता है। हाँ कहीं से भी कर सकता कहीं से भी कर है स्मरण तो कहीं से कर सकते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की